अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद नगर निगम उपसभापति योगेश शंखवार पर चूड़ी व्यापारी ने चौथ वसूली का आरोप लगाया और कहना था कि दबाव बनाते हुए दो महिलाओं को लेकर आए और उन्हें जून का हिसाब बती रेटों से करने की मांग करने लगे। इस पर उप चूड़ी व्यापारी अन्य व्यापारियों संग थाना दक्षिण में पहुंच गया और उपसभापति के खिलाफ FIR दर्ज करने व व्यापारियों को परेशान न करने की मांग की, अन्यथा स्टॉक बंद करने की बात कही। थाना दक्षिण में चूड़ी व्यापारी अंशुल गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनका आनंद लस्टर के नाम से स्टॉक है। बताया ऐलान नगर के योगेश शंखवार खुद को उपसभापति व भाजपा नेता बता रहे हैं। अपने संग दो महिलाओं को लेकर आए और बोले कि जून महीने का हिसाब बती रेट से करें, जबकि 21 जुलाई को हड़ताल खुली है, उसके बाद ही तो नई रेट से हिसाब करेंगे। 14 रुपये के अंतर से पिछले महीने का कैसे दे देंगे? 2 रुपये तोड़ा पैदा करते हैं, 14 देंगे तो हम लोगों को स्टॉक बंद करना पड़ेगा। बंद करेंगे तो प्रशासन कहेगा काम चलाओ, अब ऐसे काम कैसे चलाएं? इनको अपनी चैप से मतलब है। 10,000 बती जुड़ैया को दिलवाए, 5,000 बाहर ले लिए। अगर यही हाल रहा तो हम कल परसों से स्टॉक ही नहीं खोलेंगे। मांग थी कि इनके नाम में FIR हो और हमारा पिछला हिसाब पिछली रेट से हो और जो हड़ताल के बाद माल उठा है उसको जो रेट तय हुई है वो हम करेंगे। इस दौरान उक्त मामले को लेकर कार्यवाही की मांग की गई। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम अंशुल गुप्ता है, मेरा स्टॉक है आनंद लस्टर के नाम से। ये योगेश संगवार ऐलान नगर के उपसभापति बता रहे हैं और अपने संग दो लेडियों को लेके आए। ये बोले ये भाजपा नेता हैं कि आप हमारा पिछले महीने का हिसाब जून महीने का हिसाब बढ़ती रेट से करें, जून का हिसाब बढ़ती रेट से करें, जबकि 21 तारीख को हड़ताल खुली है। हड़ताल खुलने के बाद ही तो हम नई रेट का हिसाब कर पाएंगे। 14 रुपये के डिफरेंस हम पिछले महीने का कैसे दे देंगे? हम लोग 2 रुपये थोड़ा पैदा करते हैं, 14 रुपये देंगे तो हम लोगों को तो स्टॉक बंद करना पड़ेगा। फिर हम स्टॉक बंद करेंगे तो फिर हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव होगा, काम चलाओ। हम लोग काम चलाने की स्थिति में है नहीं है और हमको खुलेआम फोन पर धमकी दी जाती है, आप क्या रेट का हिसाब कर रहे हैं, क्या रेट का नहीं कर रहे हैं। जुड़ैया माल बेच जाए, कोई भी काम कर जाए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल अपनी चोट से मतलब है। 10,000 रुपये भर्ती जुड़ैया को दिलवाए, 5,000 बाहर गेट के बाहर जाके उससे ले लिए और हर स्टॉक पे ये जा रहे हैं, बदतमीजी की हद कर दी है। बिल्कुल स्टॉक वाले को तो ऐसा कर दिया, ये मालूम पड़ रहा हम लोग सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। सब्जी के ठेले वाले की तो अभी इज्जत होगी, स्टॉक वाले की तो इतनी भी इज्जत नहीं है। हम लोग काम ही चलाने की स्थिति में नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हम तो परसों से स्टॉक ही नहीं खोलेंगे। इनके नाम के खिलाफ FIR हो और हमारा जो पिछला हिसाब है वो तो पिछली रेट से हो, जो हड़ताल के बाद माल उठा है उसको जो रेट हमें तय होगी हम वो करेंगे। और कभी भी फैंसी और सफेद की रेट एक नहीं रही है भविष्य में, न होगी। वो 150 रुपये का तोड़ा बिकता है, जो 70 रुपये का तोड़ा बिकता है, 70 रुपये वाले तोड़े की हम 75 रुपये जुड़ाई कैसे दे देंगे? हम लोग बिना चटा हुआ माल लेते हैं, हमारे स्टॉकों में माल आता है। पोट भट्टी का माल जुड़ैया का दुकानदार के लिए लेके जाता है, पूरे दिन चटाई कराता है, फिर भाव के बाद जमा करता है। उसमें 150 रुपये की रेट है, हमारे यहाँ पे 70 रुपये की रेट है। हमारे यहाँ पे कुछ कल में तो ऐसी आती है, आधा माल ऐसा आता है जिसे हम 35 रुपये में ही बेचते हैं। हम 35 रुपये में माल बेचने वाले की जुड़ाई की रेट 35 रुपये दे देंगे तो हम कारीगर को और कारखानदार को कह देंगे आखिर में हम लोग बेईमान हो जाएंगे।